Dear students, welcomes you once again in my YouTube channel Chemistry Line by GSR. Practical series में अभी तक मैं अपनी third group की video अपने channel पर upload कर चुका हूँ. Cations के identification में पहले हम fourth group को आज identify करेंगे और फिर fourth group में जो cations आते हैं जैसे Mn2 positive, Zn2 positive या आपके Ni2 पॉजिटिव या CO2 पॉजिटिव, तो इनको हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे. तो आज हम पहले इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसीजर को सीखेंगे, उसके बाद उसका पूरा लैब डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसको सीख लें कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है. उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आगे हम प्रैक्टिकल को पूरा डेमोंस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वैसे तो प्रोसीजर जो है वो ये होता है कि हम कैटायंस के आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएं. क्या बनाएं? ओरिजिनल सॉल्यूशन. ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाएं? वो कैटायन का कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से और सिक्स्थ ग्रुप तक कोई भी कैटायन आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है. देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो वह मैं यहीं पर ओरली आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है ना उसको यूज़ करें. डिस्टिल वाटर लें और डिस्टिल वाटर के बाद में अगर डिस्टिल वाटर में नहीं बनता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, एक क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्वेंट. अब वो सॉल्वेंट आपका डिस्टिल वाटर है, ये पहले कोल्ड लेंगे, अगर नहीं बनता है तो हॉट कर देंगे, कोल्ड एंड हॉट दोनों के साथ देख लेंगे बना करके. अगर यहाँ पर नहीं बनता है तो आप लेंगे डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl लेकर के आप यहाँ पर क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के पहले तो कोल्ड में बनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर हम उसमें हॉट और हॉट डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे. अगर फिर भी यहाँ नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो HCl है वो कैसा, कंसंट्रेटेड HCl यूज़ करें. पहले इसको भी कोल्ड लेंगे और अगर डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्ट इसमें तो हम क्या करेंगे, इसको हॉट ले लेंगे, ठीक है. इसके बाद में अगर इसमें भी नहीं डिसॉल्व होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं, HNO3, और डाइल्यूट HNO3 जब लेते हैं तो यहाँ पर वो भी कैसा लेंगे, पहले लेंगे हम कोल्ड और फिर लेंगे हॉट, ठीक है. इस तरह से हमारा एक क्लियर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट का सॉल्वेंट में बनना चाहिए, यानी पूरा पूरा घुल जाए और कुछ भी उसमें दिखाई ना दे. तो इस तरह से आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो. अगर ये मान लीजिए कि सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाए HCl में, सॉल्ट अगर हमारा डिसॉल्व हो जाए, सॉल्ट इफ डिसॉल्व्ड इन HCl, डिसॉल्व्ड इन HCl, तो यहाँ समझ लीजिए कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है. तो बेसिक रेडिकल्स में, यानी कैटायंस को यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, बेसिक रेडिकल्स होते हैं ये. बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हम ये स्टेप अपनाएंगे. अब यहाँ पर अब तक जो पीछे मैंने एक्सपेरिमेंट आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराए हैं, जिनके वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आपके क्या हैं, वो थर्ड ग्रुप तक के तो हो चुके हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर अब हम आज बात करेंगे फोर्थ ग्रुप ऑफ कैटायंस के आइडेंटिफिकेशन की. तो इतने जो अभी मैंने प्रोसीजर आपको बताया उन सबसे अलग हटके मैं एक यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करके आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रुप होता
HCl डालने पर, डाइल्यूट HCl डालने पर क्या होता, वहाँ प्रेसिपिटेट बनता। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप तो है ही नहीं, तो फिर हम आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रुप ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप के लिए ही चलते हैं। सॉल्ट लिया और उसे हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व किया। डाइल्यूट HCl ले लिया हमने, और अगर सॉल्ट यहाँ पर क्या करता है, डिज़ोल्व हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेसिपिटेट बनता तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि आपका प्रेसिपिटेट नहीं बना, नो प्रेसिपिटेट, कब कब नहीं बना, जब हमने उसको क्या किया, हीट एंड कूल, यानी हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने पर अगर वो डिज़ोल्व हो गया तो ठीक है, वरना उसको हीट किया और कूल किया। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप जो है ना, फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट होगा। अब जो प्रेसिपिटेट वहाँ नहीं बना तो क्या आपका सॉल्यूशन बना होगा, उस सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे, पास H2S गैस, ठीक है। ये किप सेपरेटर्स में बनाई जाती है, ठीक है। तो H2S जब पास की तो वहाँ पर अगर अब भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, नो PPT फॉर्म, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका जो सेकंड ग्रुप है ना, वो भी क्या हुआ, एब्सेंट हो गया। ये निगेटिव साइन और एंटी का मतलब एब्सेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी में जो आपका जहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बना तो वो सॉल्यूशन तो होगा ही कुछ ना कुछ, उस सॉल्यूशन में ही आप अब क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को पहले क्या करेंगे, बॉयल ऑफ करेंगे H2S को, बॉयल ऑफ H2S प्रॉपरली, यानी कि पूर्ण रूप से H2S क्या हो, निकल जाए। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, हीट करना है एंड कूल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, H2S को बॉयल ऑफ कर दिया प्रॉपरली, उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 की ऐड की और उसको हीट और कूल कर दिया, जिससे अगर कहीं H2S बची हुई है तो वो निकल जाए, और अगर कोई सॉल्ट है वो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि थर्ड ग्रुप में Fe3 पॉजिटिव हम फाइंड करते हैं, तो लेते हैं फेरस सल्फेट या फेरस सल्फाइड ले लिया, तो वहाँ पर होगा Fe2 पॉजिटिव आयन, तो वो HNO3 उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। अब देखिए इसके बाद हम यहीं पर इसी में क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड 1 pinch ऑफ सॉलिड NH4Cl एंड देन एक्सेस ऑफ NH4OH। अगर यहाँ पर इतना करने पर प्रेसिपिटेट बनता है तो समझ लीजिए कि थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, वरना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमारा प्रेसिपिटेट अगर नहीं बना तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप जो है वो क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। और जब थर्ड ग्रुप हमारा एब्सेंट हो गया तो हमें कहाँ जाना है, अब फोर्थ ग्रुप के लिए। तो फोर्थ ग्रुप के लिए हमें क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमने जो क्या कहते हैं, यहाँ पर फोर्थ ग्रुप में जो जाने के लिए, अगर थर्ड ग्रुप एब्सेंट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें H2S पास करेंगे मीडियम। तो अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, थर्ड ग्रुप एब्सेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे H2S, ठीक है। और जब H2S पास करेंगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट देखते हैं बनता है नहीं बनता है। अगर बन गया फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पर फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट, ये मैंने लिखा है प्रेजेंट। और जब हमारा फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो ये
प्रेसिपिटेट हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को हम अब फिल्टर कर लें या फिर बिना फिल्टर किए ही आप उसको वैसे भी कर सकते हो टेस्ट। कैसे करके करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए, अभी आपने देखा कि फोर्थ ग्रुप हमारा प्रेजेंट था क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन गया था। अब उसको हम क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड गेट्स डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl। यानी डाइल्यूट HCl में जो प्रेसिपिटेट था वो उसको हमने क्या किया डिसॉल्व कर लिया। अब जब प्रेसिपिटेट डिसॉल्व किया तो वहाँ पर हमें मिलेगा एक क्लियर सॉल्यूशन, और जब क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास अब चार चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, चार तरह के कैटायन हैं। देखिए कौन कौन से कैटायन हैं इस ग्रुप में वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो देखिए आपका Zn2 पॉजिटिव आयन है, एक Mn2 पॉजिटिव आयन है, और आपका यहाँ पर CO2 पॉजिटिव आयन है और Ni2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में यहाँ पर ये जो आयन्स हैं ना उनमें कोई भी हो सकता है, जिंक, मैगनीज, कोबाल्ट, निकल, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो किस कलर का बना है। अगर देखिए वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बने, वाइट कलर का, तो यहाँ पर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब है यहाँ पर जिंक का प्रेजेंस हो सकता है, यानी कि जिंक होने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयन की। अगर यहीं पर प्रेसिपिटेट आपका जो है वो फ्लैश कलर बनता है, मीट के कलर का, फ्लैश कलर्ड PPT, तो यहाँ आपका Mn2 पॉजिटिव होने के चांस हैं। और अगर आपका प्रेसिपिटेट बनता है ब्लैक कलर का, ब्लैक आता है, तो यहाँ पर आपके निकल और कोबाल्ट होने के चांस होंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पर अपने जो भी हमें यहाँ पर जिस तरह का प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम फॉलो करेंगे। सपोज़ अभी आपने जो प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनाया, उस प्रेसिपिटेट में कलर आपका कैसा आया था, कलर मैंने नहीं बताया। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बना था उस प्रेसिपिटेट में देखिए, वो मैंने कहा कि यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। अभी प्रेसिपिटेट का कलर यहाँ पर सपोज़ वाइट कलर का हो, वाइट PPT बन रहा है। ठीक है, ये वाइट PPT जो बना, इससे हम क्या कन्फर्म करेंगे कि जो हमारा कैटायन है वो इसमें क्या हो सकता है। अभी जो पीछे एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग Zn2 पॉजिटिव मे बी पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए Zn2 पॉजिटिव के लिए हम आगे यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया आपको अभी कि प्रेसिपिटेट वाइट था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड गेट्स डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रेसिपिटेट को जब डिसॉल्व करेंगे इस वाले को, वाइट PPT को, यहाँ क्या किया हमने, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, जब डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हमें मिल गया एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। इस क्लियर सॉल्यूशन को हमने क्या किया, इसको दोबारा से हमने बॉयल ऑफ किया। इस क्लियर सॉल्यूशन को क्या किया आपने, बॉयल ऑफ किया, किसके लिए, H2S निकालने के लिए, बॉयल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को बॉयल ऑफ किया, और इसको हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड डिवाइड सॉल्यूशन इन टू पार्ट्स में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए क्या करें हम इसमें, जब टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो इसके हमने दो पार्ट ले लिए, जैसा आपको बताया था, ये हमने लिया इसका
फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें हमने ऐड किया NaOH एंड ऐड NaOH सॉल्यूशन कैसे ड्रॉप वाइज ऐड किया। जब हमने इसमें ड्रॉप वाइज ऐड किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिला हमें। और ये वाइट प्रेसिपिटेट अगर हम यहीं पर एक्सिस मिला दें NaOH की, अब हमने क्या किया एक्सिस ऑफ NaOH, तो एक्सिस ऑफ NaOH ले ली हमने, तो ये क्या हुआ वाइट PPT डिसॉल्व्स। इससे हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये कंफर्म हो गया। अब इस पैटर्न से तो हमने कंफर्म कर लिया, तो दूसरे पार्ट का क्या करें, जो सेकंड पार्ट है हमारा सॉल्यूशन का उसको भी ले लें, सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दूसरे पार्ट में। और इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCn6, ये होता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर हमें मिला ब्लूइश वाइट PPT मिल गया, ब्लूइश वाइट PPT। और इस ब्लूइश वाइट PPT के बनने से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब देखिए इतना तो हमने सीख ही लिया, यहाँ पर हम इनकी रिएक्शंस को भी देख लें कि इसमें रिएक्शंस एक्चुअली क्या हो रही हैं। तो वो रिएक्शंस क्या हो रही हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या रिएक्शंस एक्चुअली यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, देखिए आपने Zn के लिए टेस्ट किया, तो अगर वहाँ पर Zn था ना, तो Zn ने वाइट प्रेसिपिटेट बनाया था H2S के साथ में, तो Zn जो है वो हमारा, जब Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और वो H2S के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर Zn(S) बनता है, और Zn(S) का ही वो क्या था वाइट PPT था, Zn(S) का क्या था वाइट PPT ये वाला। अब इसी प्रेसिपिटेट को हम आगे लेकर के चले, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस प्रेसिपिटेट को हमने डिसॉल्व किया HCl में, तो यहाँ पर Zn(S) जो प्रेसिपिटेट है और उसको हमने डिसॉल्व किया HCl में, तो यहाँ पर हमारा बन गया ZnCl2, और ZnCl2 के साथ में हमारी बनी H2S गैस। तो ZnCl2 क्या है, ये सॉल्युबल रहा, ठीक है, ये सॉल्युबल रहा और H2S गैस को हमने बॉयल ऑफ करके बाहर निकाल दिया। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, फर्स्ट पार्ट, उस फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था, इसमें ऐड किया NaOH, हमारे पास क्या था Zn(CL2), तो जब आपने Zn(CL2) में NaOH ऐड किया, ठीक है, यहीं पर सब आपको समझ में आ जाएगा, जब NaOH ऐड किया तो यहाँ पर बन गया Zn होल ट्वाइस ऑफ OH बन गया। और यहाँ पर देखिए 2 ले लें तो यहाँ पर आपके पास और बचा 2NaCl, ठीक है। ये जो Zn होल ट्वाइस ऑफ OH है ये क्या है, वाइट PPT। अब देखिए मैंने कहा एक्सेस ऑफ NaOH हमने लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो Zn(OH) होल ट्वाइस था वो एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करके उसने बना लिया यहाँ पर Na2ZnO2, जो कि होता है सॉल्युबल होता है, ये बन गया सोडियम जिंकेट, ठीक है। साथ में आपका बनता है यहाँ पर वाटर, तो वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा सॉल्युबल था, इसलिए यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया और यहाँ से हमारा Zn2 पॉजिटिव कन्फर्म हो गया। अब देखिए ये यहाँ तक तो हम आ ही गए थे, सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिया है, जो हमारा Zn(Cl2) था, यहाँ पर Zn(Cl2) ही तो था, और हमने रिएक्शन कराई K4FeCn6 से,
जब ये रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हमारे लिए इसकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला वो मैं आपको बता दूँ। ये प्रोडक्ट बना आपका Zn2 और FeCn6। FeCn6 ये जो Zn2 FeCn6 बना यही आपका क्या था, ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या बनता है, 4 KCl बनेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सॉल्युबल है। ये प्रेसिपिटेट हमारा ब्लूइश वाइट बन गया और इससे हमारे पास कंफर्म हो गया Zn2 पॉजिटिव गिवन सॉल्ट में है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी रिएक्शंस भी बता दी। अब इसका देखिए आगे लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, वो लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोग इसी के आगे अब देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकल की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप उसमें जा कर के अपने सब्जेक्ट का मैटर रिलेटेड टॉपिक से देख सकते हैं। तो वीडियो में अब आपके लिए इस प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कैसे करके हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हियर इन द लैब फॉर एनालिसिस ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्ट गिवन सॉल्ट यू कैन एनालाइज 1 cation एंड 1 anion। द सॉल्ट इज गिवन हियर, दिस इज वाइट कलर एंड इट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। Small amount of salt taken in the test tube and then add dilute HCl. On addition of dilute HCl, it has been observed that no precipitate is formed. Then heat the solution to see that precipitate is formed or not. Look here, there is a transparent solution is formed, there is no precipitate is formed here. Now cool the solution and see that precipitate is formed or not. On cooling, it has been observed that there is no precipitate is formed here. That is first group is absent here. First group is absent. Then we go for second group by passing H2S gas. Passing H2S gas, we can identify the second group here. So pass H2S gas in the solution. Look here. On passing H2S gas, there is no change. That is no precipitate is formed here. No precipitate is formed here. That is second group is also absent here. You can see very clearly that H2S gas does not form precipitate in the given solution. Now we can go for testing of third group. So first of all, boil the solution here. Boil the solution to escape out H2S or boil off H2S. After boiling of H2S, add 2 to 3 drops of concentrated HNO3. 2 to 3 drops of concentrated HNO3. And then again boil off.
boil off and then add a pinch of solid ammonium chloride, pinch of solid ammonium chloride and excess of ammonium hydroxide here. Now add a pinch of solid ammonium chloride and then ammonium hydroxide in excess. Then we will see that there is no precipitate is formed, that is third group is also absent here. Third group also absent here means we can go for fourth group because third group is absent. So for third, fourth group we pass again H2S in the given solution or in the observing solution. Now on passing H2S, if precipitate is formed, then four group will be present. We can see clearly that there is a white colored precipitate is formed here. The color of the solution becomes white as the gases pass in it. The color of the solution becomes changes to white, means here fourth group is present. Fourth group is present. Now we can go for fourth group. In fourth group there are four ions which is given in the lab manual, that is zinc ion, Zn2 positive ion, Mn2 positive ion, CO2 positive ion and Ni2 positive ion. But if the precipitate is white, Zn2 positive ion is present in the given salt, and then and the solution in which precipitate is formed, in it add dilute HCl to dissolve the precipitate. So we can add here dilute HCl. Is the precipitate gets dissolved? Yes. Now on addition of dilute HCl the precipitate get dissolved, and again boil off the solution to remove of H2S gas. We can see here that H2S gas is boil off and it takes 2 to 3 minutes or more to completely boil off. Now after cooling the solution, the solution first of all should be cooled, and then divide the solution in two parts.
and it should be cooled necessarily. After cooling, in one part add sodium hydroxide slowly. Sodium hydroxide slowly. Give me sodium hydroxide. Okay. Add sodium hydroxide slowly. Like this. You can see a white precipitate is about to form. White colored precipitate is formed, and this white colored precipitate shows that this salt contains Zn2 positive ion. And for more confirmation, we can go for that. Add more NaOH slowly. If the precipitate gets dissolved, then confirm me it is Zn2 positive ion. So on addition of more NaOH, precipitate completely dissolved. That is Zn2 positive confirmed here. Now in second part of the solution, we add potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide is there. This is potassium ferrocyanide, and on addition of potassium ferrocyanide, we can see bluish white colored precipitate is formed here. Bluish white, and this bluish white precipitate confirms the presence of Zn2 positive ion in the given salt. First में आपका ये zinc 2 positive ion confirm होता है, क्योंकि यहाँ पर बना आपका bluish white precipitate. ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट. तो इस तरह से यहाँ पर हमारा Zn2 पॉजिटिव आयन कन्फर्म हुआ.